यो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आरओ गेमर एमडी और आज हम लोग बनाने वाले अमेजिंग सा एक्सपी फार्म। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैंने ऑफ रिकॉर्डिंग जाके अपने लिए डायमंड का हेलमेट बना लिया था और मैंने एक सॉल भी बना ली थी अपने लिए और मैंने दूसरे रिसोर्सेस भी कलेक्ट करके रखे थे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी हमारे पास पड़े हैं 12 डायमंड्स। मैं ऑफ रिकॉर्डिंग 21 डायमंड लेके आया था पर मैंने ये सब बनाया इसीलिए हमारे पास बचे अभी 12 डायमंड्स। और मैं 16 ऑब्सिडियन भी लेके आया था क्योंकि हमें एन्चेंटमेंट टेबल बनाने के लिए भी ऑब्सिडियन चाहिए होता है। एन्चेंटमेंट टेबल वो सब हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अभी चलते हैं एक्सपी फार्म का सामान ग्राइंड करने। तो गाइस अभी हमारे पास 10 ब्रेड ही है और 10 ब्रेड बिल्डिंग के काम के लिए इनफ नहीं है। तो अभी चलते हैं अपने पुराने वाले घर में और पुराने वाले घर से लेते हैं हे बेल्स। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले अपने पुराने वाले घर में और ये रहा हमारा पुराना वाला घर। अभी यहाँ से लेते हैं हे बेल्स, याद से होनी चाहिए। हाँ है ना भाई, किस है भाई। चलो अभी पहुंचते हैं घर पे और बनाते हैं अपने लिए ब्रेड्स। हाँ तो हम लोग घर पे आ गए हैं, अभी बनाते हैं अपने लिए वीट ढेर सारा और वीट से बनाते हैं ढेर सारी ब्रेड्स। भाई साहब इतनी सारी ब्रेड्स, भाई 64 हो जाएगी, 64 हो गई ब्रेड्स अभी और भाई और बनेगी। भाई क्या ही तो हेबेल था गाइज मेरे पास, एक्चुअली वो हेबेल मेरा नहीं था, मैंने काम वालों का लिया था। चलो अभी चलते सोने ऊपर और ये हम लोग आ गए ऊपर, अभी यहाँ पे सोते हैं। भाई ये बेड मेरे को सोना ही नहीं दे रहा भाई, बोल रहा है मॉब्स नियर। भाई यार मैंने सब मॉब्स मारे भाई इस एरिया के, भाई कोई मॉब्स यहाँ पे स्पॉन ही नहीं होता। अभी हमें चाहिए होगा 10 टैक कोबलस्टोन अपने एक्सपी फार्म को बनाने के लिए, तो चलते हैं काम पे। 10 टैक इनफ तो नहीं लग रहे मेरे को, कोई बात नहीं और लेके आ जाएंगे। और हमें चाहिए होंगे 2 डबल चेस्ट और 4 हॉपर। अभी मैं सब रिसोर्सेज कलेक्ट करके अपने एक्सपी फार्म की लोकेशन पे मिलता हूँ आप लोगों से 2 मिनट के अंदर। ये है हमारी एक्सपी फार्म बनाने की लोकेशन। इस जगह को मैंने थोड़ा सा प्लेन भी बना दिया है। इस चेस्ट के अंदर है हमारा सब बिल्डिंग मटेरियल। तो ये सब है हमारा बिल्डिंग मटेरियल। चलो अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। जमीन में आपको तोड़ने हैं 2 ब्लॉक्स और उसके अंदर लगा देने हैं 1 डबल चेस्ट। आपको आगे भी सेम करना है। इन 2 डबल चेस्ट पे लगाने हैं हॉपर्स कुछ इस तरीके से। ये लगाया हमने पहला हॉपर, ये लगाया हमने दूसरा, ये लगाया तीसरा, चौथा। हॉपर्स के ऊपर लगा देने हैं स्लैब्स। अभी हमें लगाने हैं 3 कोबलस्टोन, इसके ऊपर भी लगा देना है। यू भाई निंजा हथौड़ी की तरह लगा दिया। अभी इन दोनों को तोड़ देना है और अभी इसको स्क्वायर की तरह लगाना है। अभी हमें स्क्वायर को 22 ब्लॉक तक एक्सटेंड करना है। आपने डायमंड माइनिंग वाला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखा है, आप जाके देख सकते हो। अभी ये वीडियो बहुत ज्यादा बोरिंग हो रहा है, मैं इसको पूरा बना के आप लोगों से मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। आपको एक्सपी फार्म का पूरा ट्यूटोरियल देखना है तो मेरा एक छोटा सा लाइक एम है 10 लैक्स का, उसको कंप्लीट कर देना तो मैं एक्सपी फार्म का ट्यूटोरियल डाल दूंगा। तो फाइनली अभी हमारा एक्सपी फार्म बन चुका है जो कि बहुत ज्यादा ओपी लग रहा है। एक्सपी फार्म के ऊपर मैंने AFK स्पॉट भी बनाया है। तो गाइज ये बहुत ज़रा ओपी वर्क भी कर रहा है मेरे 21 एक्सपी लेवल तो स्टार्टिंग में, अभी देखो 22 हो गए हैं। और मैंने स्टार्टिंग वाला डिज़ाइन से थोड़ा सा अलग किया है क्योंकि ये स्टार्टिंग वाला डिज़ाइन में थोड़ा सा कम वर्क कर रहा था, तो मैंने चेस्ट को 1 हाइट अप कर दिया और मॉब्स को मारने के लिए स्टेयर्स लगा दी। तो आज का हमारा पहला मॉब आया है क्रीपर। साले क्रीपर जंप कर रहे हैं भैया, तो जंपिंग जपा के जंपर जंपर मर जा साले। देखा गाइस कितना मस्त काम कर रहे हैं हमारा एक्सपी फार्म। चलो अभी चलते हैं थोड़ी देर AFK रहने, AFK रहेंगे तो यहाँ पे मॉब स्पॉन हो जाएंगे। भाई क्या कर रहा है ये, देखो AFK स्पॉट पे जाने का रास्ता। भाई मैंने यहाँ पे पानी डाल के रख दिया और फेंस लगा दिए तो पानी ज़्यादा ओवरफ्लो ना होए। भाई मैं अभी जाने वाला था, देखो वहाँ पे मॉब स्पॉन हो गए। भाई क्या तो ओपी बनाया गाइस, आपको इसका ट्यूटोरियल देखना है तो लाइक एम कंप्लीट कर देना। तो ये है हमारा AFK स्पॉट और AFK स्पॉट पे जाने के लिए आपको चढ़नी पड़ेगी स्टेयर्स। और ये हम लोग आ गए हमारे AFK स्पॉट के अंदर। क्या तो ऐसे मस्त नज़ारे दिखते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा ओपी है भाई ये जगह। यहाँ पे मैं थोड़ी देर AFK रहता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। अभी यहाँ पे हो गए ढेर सारे मॉब स्पॉन, तो अभी इनको मारते हैं और लेते हैं इनके XP लेवल्स। ओपी भाई यहाँ पे तो एक दूसरे को मार रहे हैं। भाई मॉब्स मारो भाई मारो। ओ भाई क्या XP लेवल मिल रहा है, अबे 8 थे मेरे भाई। भाई 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 9 से 10
ओ भाई क्या ही तो एक्सपी बढ़ा दिया भाई, क्या बूस्ट किया मेरी एक्सपी को भाई साहब। हमारा चेस्ट भी गाइस एकदम ओपी तरीके से वर्क कर रहा है भाई, बोन्स के तो भाई खजाने हो रहे हैं भाई। ओ भाई इंचेंटेड तीर, ये इंचेंटेड वो है भाई पावर 2 का, क्या बात कर रहे हो पांडे जी भाई। और यहाँ पे मॉब्स तो भाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे भाई, अभी इतने सारे मारे देखो और स्पॉन हो गए भाई। क्या तो मैं बनाया है गाइस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अभी तो खुद की ज्यादा तारीफ हो गई गाइस। तो गाइस थोड़ी देर और हम लोग यहाँ पे AFK रहते हैं और मैं आप लोगों से मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरी XP चली गई, मैं इसके ऊपर AFK खड़ा था ऊपर और मैं गलती से नीचे गिर गया यार। चलो कोई बात नहीं भाई, ये तो XP फिर से भरा देगा यार, क्या ही तो बात कर रहा हूँ यार मैं। तो गाइस मेरे को XP फार्म की चेस्ट में से मिला एक पावर 2 का इंचेंटेड बो। तो ये XP फार्म आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बता देना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, और लाइक MB कंप्लीट कर देना।